में बात ये याद होगा जीरो होता था, जीरो डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 को अब हम लोग पाई बाई 6 बोलते हैं, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3 और एक लास्ट एंगल पाई बाई 2। टेंथ में हम लोग ये पढ़े हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये कितना होता है 45, ये क्या होता है 60 और ये होता है 90। ये हम पिछला 2 क्लास में बताए थे डिग्री और रेडियन। तो आज हम लोग बता रहे हैं ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये 3 वैल्यू ही याद रहेगा तो बाकी आप याद कर लोगे। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। इसी को रिवर्स करके लिखते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 0/1 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, ये अनडिफाइंड। ये साइन का, कॉस का, टेन का, ये सारा वैल्यू सबको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये हम 10th में पढ़े हैं, 10th क्लास में, इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। ABI ये याद रहेगा तो ही आगे का सारा ट्रिगो समझ में आएगा। ये जो वैल्यू है साइन कॉस टेन, उसके जस्ट नीचे आता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक का उल्टा के बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 1/√2 का, और क्या हो जाएगा 2/√3, और लास्ट में 1 का उल्टा 1। ये हो गया कॉसेक। फिर सेक कर लीजिएगा और फिर कॉट कर लीजिएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, 1 2/√3, √2 और अनडिफाइंड। 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। कॉट टेन का उल्टा तो अनडिफाइंड, √3, 1 1/√3 और 0। बस यही टेबल आपको याद रखना है। जितने लोग हैं, ये टेंथ का चीज था, ये घर का होमवर्क था आपका, जल्दी से नोट कीजिए, तुरंत आगे हम बढ़ेंगे। अब आप लोग का 12th में 11th जल्दी से नोट कीजिए। अगर नोट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि नोट करने का टाइम मिलेगा ऑफलाइन। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस यही पढ़े थे। आज हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुनिएगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 0 डिग्री होता है। नहीं समझोगे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम अभी देखेंगे। ये एंगल 0 है, इनिशियल लाइन 0 होता है। जब तुम यहाँ तक पहुंचोगे, इस जगह तक पहुंचे, तो ये लाइन को क्या बोलोगे, ये जो लाइन है ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। जिनको नहीं पता है याद कर लो, 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 90 × π/180। डिग्री को रेडियन में चेंज करो, कट के ये पाई बाई 2 देगा। 90 लिखा रहे या पाई बाई 2 लिखा रहे, दोनों का सेम मतलब होता है। ये डिग्री में है और ये किस में है, रेडियन में। ये 0 है और ये क्या है, किसी को भी पता है, यहाँ पर जब आओगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ आओगे तो क्या हो जाएगा, 3π/2। पीछे मत जाओ, सबसे पहले 0 से स्टार्ट किए, यहाँ तक आए 90, 90 से यहाँ आए पाई, और पाई से यहाँ आए 3π/2। कुछ लोग समझ रहा होगा, कुछ लोग को दिक्कत हो रहा होगा। शुरुआत में 0, जैसे तुम यहाँ तक आओगे, कोई भी सिंपल सा भी स्टूडेंट होगा समझ जाएगा, ये 90 डिग्री बना रहा है। यह जो लाइन है यह इनिशियल के साथ कितना बना रहा है, 90। 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 के बाद यहाँ आएंगे तो ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 को हम लोग पाई बोलते हैं। और फिर पाई में 90 जोड़ोगे तो पाई में 90 मतलब पाई बाई 2 जोड़ोगे तो वो 270 होगा, लेकिन ये वैल्यू कितना देगा, 3π/2। तो हम बस यही बताना चाह रहे थे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से किए हो, 0 से, जा कहाँ तक रहे हो, यहाँ तक में साइन कॉस और टेन, इसका वैल्यू देखो, कहीं भी माइनस साइन है, कहीं भी माइनस साइन है, देखो जल्दी।
देखिए जो बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जीरो से नब्बे तक के बीच में कोई भी वैल्यू माइनस है जल्दी बोलिए, कोई वैल्यू माइनस नहीं है। इसका ये मतलब होता है कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला जाए तो ऑल पॉजिटिव होगा, क्या होगा ऑल, तो ये ऑल पॉजिटिव होगा याद रखना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में याद रखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये आप पहली बार देख रहे होंगे बहुत लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में दो चीज पॉजिटिव होगा साइन थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉस थीटा, और लास्ट का जो क्वाड्रेंट है जिसको आप लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा। ये बात को आपको बस याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज माइनस में नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब चीज माइनस में होगा, साइन हमेशा प्लस में होगा, क्या होगा बताएंगे, कॉसेक प्लस में, लेकिन बाकी जितना चीज है सब क्या चीज में आएगा नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको याद करने का तरीका एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ए से क्या होगा ऑल, एस से क्या होगा साइन थीटा, टी से क्या होगा टैन थीटा, और सी से क्या होगा, याद रखो ये टैन का उल्टा क्या होता है और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और ऑल तो ऑल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टैन कॉस, और फोर्थ में कॉस का उल्टा क्या। जल्दी से जिसको जो नोट करना है नोट कीजिए, दो तीन मिनट रुकते हैं, और जो नहीं समझा एक बार फिर से बोलिए कि भैया फिर से बताइए, समझाने के लिए हम कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, माइनस थीटा कौन चीज कहां से आ रहा है उसके भी मेरे पास रीजन है, पर वो बताएंगे नहीं, साइन 90 माइनस थीटा सब कोई पढ़ा होगा, अब टेंथ नहीं पढ़ा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टैन 90, ये टेंथ में पढ़े थे जितने लोग पढ़े थे बस वही फॉर्मूला अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, टैन 90 माइनस कितना और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, फॉर्मूला टीचर बोलता है याद करने के लिए, आज हम समझा रहे हैं याद कम कीजिएगा ज्यादा सोचिएगा, सेक का उल्टा और कॉसेक का उल्टा, आज का पहला फॉर्मूला, आज का पहला फॉर्मूला यही है, फर्स्ट फॉर्मूला यही है, बस 90 नहीं होके वहां पर क्या रहेगा पाई बाय वही 90 को पाई बाय 2, आज का फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें हम कुछ बात करेंगे, पहले बात को समझिएगा तब हमको बोलिएगा कि भैया समझ में आया तो हाँ लिखिएगा, नहीं आया तो ना लिखिएगा, आपके लिए बिल्कुल नया चीज है ये, टेंथ में फॉर्मूला आप पढ़े थे साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस टेन 90 माइनस, वही फॉर्मूला हम लिखे हैं, पर इसमें हम एक बात समझाने जा रहे हैं, ये कितना डिग्री होता है जीरो, 90 यहाँ होगा, ये 90 कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस, तो आप दिमाग में बैठा लो दो लाइन होता है, एक लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हो और एक लाइन को क्या बोलते हो, तो कभी भी ये वाई एक्सिस से चलोगे तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, याद रखना जब भी तुम्हारा इनिशियल पॉइंट वाई एक्सिस हो तो साइन किस में चेंज होगा, तुम ये मेरा ट्रिक समझो कि जब भी वाई एक्सिस होगा साइन किस में चेंज होगा कॉस किस में चेंज होगा टैन किस में चेंज होगा कॉट टैन में सेक कॉसेक में और कॉसेक, मतलब तुमको बस याद रखना है कि वाई एक्सिस पे जब भी रहेंगे जो टेंथ का फॉर्मूला होता था वही होगा, लेकिन ये पाई बाय टू माइनस थीटा है, फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग कॉस, ये जो वाई एक्सिस है उसको हटा देना है, मतलब ये पाई बाय टू हट के सीधे क्या लिखाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिखाएगा, ये तुम टेंथ में पढ़ा था उसका डायग्राम बना के पढ़ा था, भूल जाओ उसको पढ़ा था, बस अभी याद रखो कौन एक्सिस वाई एक्सिस से जब भी चलोगे साइन किस में कॉस किस में टैन किस में, तुम बोलोगे मैं फॉर्मूला आप बोल दिए पर ये बाहर में क्या होगा, बाहर में क्या होगा मतलब बाहर में हर जगह क्या है, देखो तो प्लस है, क्या है बाहर में हर जगह तो क्यों प्लस है, उसी बात को थोड़ा सा तुमको बताते हैं, ये पाई बाय टू में माइनस कर रहे हो, इस लाइन में जब भी माइनस करोगे इस लाइन का दो साइड है एक इधर है एक इधर है, तो 90 में अगर माइनस करोगे क्या माइनस करोगे वो मत देखो, तुम किसी लाइन 90 में माइनस करोगे तो इस लाइन की इधर जाओगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नीचे मत जाना, जो लाइन पे माइनस कर रहा है उसको माइनस करते ही तुम सोचो उस लाइन का दो साइड होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा,
आगे बढ़ने के लिए कोई भी बच्चा जानता है 90 से आगे बढ़ने में ऐड करना पड़ता है, 90 में जोड़ेंगे तो जाके आगे एंगल बढ़ेगा, और वही हम अगर उसमें माइनस कर रहे हैं, मतलब आप किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑल पॉजिटिव, इसलिए इसमें कहीं भी फॉर्मूला में बाहर में कोई जगह माइनस नहीं लगाए, लगाए देखो तो टेंथ में पढ़ा था कहीं माइनस था बाहर फॉर्मूला में, तुम बोलेगा भैया चलिए यही तो फॉर्मूला टेंथ में पढ़े थे, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूला से बस यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको यही सेकेंड फॉर्मूला जो रहेगा, सेकेंड साइन 90 प्लस थीटा, फिर ये सेकेंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला टेंथ में पढ़े थे, सेकेंड फॉर्मूला कॉस, तुम खुद बताना, हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम खुद बताओगे, ऑनलाइन वाला मैसेज करेगा जब हम बोलेंगे, अभी बस सुनो, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, और लास्ट में sec 90 प्लस थीटा, देखो सब चीज वही है, बस अभी प्लस हो गया है, तो प्लस होने पे 90 में प्लस होने पे आप सेकेंड में जाइएगा, सेकेंड में एक साइन और एक cos, ये दो चीज को छोड़ के सब चीज माइनस होता है, तो तुम समझो कि ये फर्स्ट फॉर्मूला पहले लिख लो, पहले फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, सबके फर्स्ट फॉर्मूला था, अभी भी साइन है लेकिन यहाँ 90 है, 90 का मतलब कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस टेन कॉट, ये तुम लिख देगा, लेकिन प्लस की ओर किस क्वाड्रेंट में जाओगे, उस लाइन के जस्ट आगे वाला क्वाड्रेंट कौन है, सेकेंड में साइन को टिक मारो क्योंकि साइन पॉजिटिव होगा, और कहां पर कहीं पर कॉसेक, उधर मत देखो कहां आया, इधर देखो, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला में बाहर में माइनस लगेगा, बाहर में क्या लगेगा, माइनस, बाहर में क्या लगेगा, माइनस, बाहर में क्या लगेगा, कुछ लोग इतना बुड़बक होता है बोलता भैया कॉसेक तो प्लस होगा, इधर मत देख रहे बाबा, ये तुमको देखने के लिए नहीं है, तुमको ये सब जो है इसका वैल्यू है, तुमको साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, पर साइन हमको पता है सेकेंड में पॉजिटिव होता है इसलिए बाहर में प्लस रहा, बाहर में माइनस, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, लेकिन कॉस सेकेंड में नेगेटिव होता है इसलिए बाहर में हमेशा क्या आएगा, माइनस, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला, जल्दी से इसको नोट कर लो, फॉर्मूला में बस डिफरेंस क्या हुआ, सब कुछ वही है, बस हम किस क्वाड्रेंट में थे, सेकेंड में, सेकेंड में साइन और कॉस, कॉस प्लस होगा, मतलब उधर जो लिखा हुआ उसके बाहर में प्लस ही साइन रहेगा और बाकी सब में कौन सा साइन रहेगा, माइनस साइन, ये याद क्यों रखना है, टीचर बोलता है लिखवाएगा स्कूल में पढ़ाएगा बोलेगा याद कर लीजिए, याद कर, याद नहीं होता है, याद इसलिए नहीं होता है कि इतना फॉर्मूला अभी हम 50 को लिखवाएंगे, 50 को कौन याद करेगा, समझ रहा करो, ये फॉर्मूला 12 में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा, अभी तक दो फॉर्मूला पढ़े, फर्स्ट फॉर्मूला 90 माइनस था जिस कारण आप किस क्वाड्रेंट में थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा क्या था 90 प्लस, तो हम यही समझा रहे हैं उसी वजह से कि 90 मतलब वाई एक्सिस से जब भी चलोगे साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट टेन में, बस प्लस माइनस आपको चेक करना होगा, प्लस माइनस खुद से लगाना होगा, हम भी लगाना सिखाएंगे, जितने लोग क्लास कर रहे हैं पूरा करेंगे, भूल के निकलेंगे नहीं, कुछ लोग चलिए फॉर्मूला मिटाने जा रहे हैं, जो लिख लिए ठीक है, नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए फॉर्मूला नंबर थर्ड, अब हम थर्ड फॉर्मूला में पाई बाई टू से उठेंगे, कौन सा लाइन के पास पहुंचेगा, ये लाइन को पाई बोलते हैं, और पाई हमारा कौन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, नो चेंज, ये हम समझा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब थर्ड फॉर्मूला में है साइन पाई माइनस थीटा, चिंता मत करो, cos pi minus theta, अभी pi का मतलब x axis, तो no change का मतलब समझाएंगे, tan pi minus theta, cot pi minus theta, no change का मतलब ये है कि जब भी x axis में रहो तो कोई changing नहीं, मतलब equal to में हमेशा जो इधर है वही लिखाएगा, तो बताओ इधर क्या था, यहाँ sin, तो इधर भी क्या लिखाएगा, sin, लिखोगे साथ में केवल theta, वो जो axis है वो गायब कर देना है, cos का यहाँ क्या लिखाएगा, तुम बोलेंगे भैया तब का फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला ये है सब कुछ वही रहेगा, बस तुमको प्लस और माइनस देखना होगा, तो पाई माइनस, सुनो ये पाई है, इतना गोबर तो कोई नहीं होगा, ये पाई है, पाई में ऐड करोगे तो आगे जाओगे, मतलब थर्ड में जाता, यहाँ पाई माइनस है, मतलब किस में रहोगे,
सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ये सब क्या होगा बाहर में क्या लगेगा। ये फॉर्मूला नंबर लिखते चलो, याद नहीं करो, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो। अभी हम लोग वाई एक्सिस पे थे, अभी हम एक्स एक्सिस पे आए हैं। फॉर्मूला का यूज नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को बताएंगे, तब तक आप फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिएगा और रेडियन डिग्री। कल हो सके तो हम नहीं रहेंगे, इससे क्लास नहीं होगा। साइन करो प्लीज, रिकॉर्डिंग में है। हम क्वाड्रेंट से केवल प्लस माइनस जानते हैं। फॉर्मूला नंबर थर्ड में साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, हर जगह पाई पाई ही दिख रहा है। ये पाई जो होता है हट जाता है, काहे हटता है, क्यों हटता है, उसका सबका रूल है, डायग्राम बना के आदमी बना सकता है। तो उतना अभी दिमाग लगाओगे तो मालूम चलेगा, जो मेन चीज है वही नहीं सीख पाओगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, टेंथ में ही हम लोग पढ़े थे ये सब। चलिए यहाँ बस प्लस डाल दो, प्लस डाल दो, प्लस डाल दो, प्लस डाल दो, फॉर्मूला नंबर कौन सा हो जाएगा। तो भैया अभी भी पाई मतलब एक्स एक्सिस और वही चीज रहेगा, बस यहाँ पर जो साइन हम लगाए थे माइनस माइनस, ये माइनस अब कहाँ लगेगा सोचो। पाई प्लस है मतलब किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ गए थर्ड में, कौन कौन पॉजिटिव होता है, टैन और टैन थीटा और तुम बोलेगा भैया ये टैन पे स्टिक मार दीजिए और कॉट के पर स्टिक मार दीजिए। इस फॉर्मूला में ये टैन थीटा और ये और बाकी सबके बाहर में क्या लगेगा माइनस। तुमको कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, उस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, तब तुमको ये मालूम होना चाहिए कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और ये दो चीज क्यों हुआ प्लस, क्योंकि ये हम लोग कहां पहुंचे हैं अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन और कॉट क्या होता है। तो अभी तक कितना फॉर्मूला देखे, चार फॉर्मूला, अब पांचवा हम दिखाएंगे। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग हो गए थोड़ा बोल। थ्री पाई बाई टू हम नहीं करेंगे इसको, माइनस कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस, पहले आप लिख लो टेन थ्री पाई बाई, कौन एक्सिस है पहले ही बताओ, वाई एक्सिस है, ठीक है, कितना एंगल है उससे मतलब नहीं, एक्सिस कौन है वाई एक्सिस। और सेक वाई एक्सिस में क्या सीखा था, चेंज होता है, क्या चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस, कॉस किस में चेंज होगा, साइन, टैन, कॉट, और कॉट, टैन, सेक, कॉसेक, और कॉसेक, लेकिन माइनस है मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जितना फॉर्मूला सबके बारे में क्या लगेगा। ये फॉर्मूला नंबर थर्ड, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फॉर्मूला नंबर फाइव, ये आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला नंबर फाइव कैसे हुआ, फॉर्मूला कितना भी बनाते जाओ बनते जाएगा, बनते जाएगा। तो हम टोटल सात फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे ये बात, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो आज यूज नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यूज सिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप इसी फॉर्मूला को चार बार पांच बार घर में लिखिएगा, सोचिएगा भैया क्या समझाना चाह रहे थे, भैया एक्सिस समझा रहे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, भैया ये समझा रहे थे कि हमेशा वो एक्सिस गायब होके कॉस थीटा लिखाता है, बस बाहर में प्लस माइनस आपको चेक करना होता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा भी समझ में आ रहा चलेगा, ज्यादा नहीं समझना है लेकिन समझना होगा। घर जाके इसको देखने का भी जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग मार लेना और कोशिश करना कि पिछला क्लास जो पढ़ाए थे वो सब कम्प्लीट कर। ये फॉर्मूला नंबर फाइव के बाद से बस यहाँ प्लस डाल दो, अभी भी वही एक्सिस है, प्लस डालते ही आप कहाँ पहुंच जाइएगा, फोर्थ में कॉस थीटा और कॉन थीटा, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है। तो यहाँ पर है कॉस थीटा और यहाँ पर है सेक थीटा, ये दोनों को छोड़ के कॉस और सेक, तो कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो, और यहाँ पर प्लस बना दो और सेक वाले को प्लस, बाकी सब में क्या लग जाएगा माइनस। इधर मत देखो क्या आ रहा है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और आप किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में, तो ये दोनों के बाहर में जब फॉर्मूला लगे थे हम प्लस होगा, लेकिन बाकी जितना है सबके बाहर में क्या लगेगा माइनस। जल्दी से लिखिए, जल्दी से, फॉर्मूला नंबर कौन सा है,
सिक्स और दो फार्मूला बताएंगे, बस दो फार्मूला बताएंगे, बस दो फार्मूला। फिर इस चैप्टर में क्या पूरे ट्रिगो में तो वो कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस इतना फार्मूला को दिमाग में स्कूल स्कूल में बोलेगा इतना फार्मूला दिखा के याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन याद रखिए चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। ये चार क्वाड्रेंट होगा, दिमाग में बस इतना ही रखना है किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो। एंगल पे मत जाओ, जिस लाइन को पकड़ते हो अगर प्लस करते हो जस्ट उसके आगे, ये नहीं कि भैया आप थीटा तो बहुत बड़ा है चौथा में चल जाएंगे, ना सोचो तुम थर्डे में रहो, क्योंकि यहाँ पर थीटा जस्ट का तस लिखाता है, हटता कौन है, वो जो एक्सिस है वो हट जाता है, हमेशा वही चीज लिखना है। तुम बोलेगा फॉर्मूला नंबर सिक्स हो गया, भैया आप कहाँ पहुंचिएगा सोच के बताओ। देखो शुरुआत यहाँ से किए थे जीरो से, यहाँ से घूमे यहाँ तक आए पाई, फिर यहाँ से आके इस लाइन पे आएंगे तो फिर से यहाँ तक पूरा घूमेंगे, ये एंगल कितना होगा 2π। याद करो जीरो से स्टार्ट किया, पहले 90 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 270, तो अगर यहाँ तक आएगा तो ये लाइन कौन सा लाइन कहलाएगा अब 2π। एक्सिस है क्या, शुरुआत जीरो से था लेकिन घूमते घूमते यहाँ, फिर ये लाइन का नाम क्या पड़ जाएगा 2π। तो कहीं पर ये लिखा रहे साइन, हम नहीं बताएंगे इसको, तुम्ही लोग बताओ। 2π माइनस थीटा cos 2π माइनस थीटा, एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस तो क्या सिखाए हैं नो चेंज, और cot 2π माइनस थीटा, sec 2π माइनस थीटा, और cosec 2π माइनस थीटा। तुम सीधे लिखोगे साइन का बाद में देखेंगे माइनस क्या लिखेंगे, cos थीटा, tan का tan थीटा, cot का cot थीटा, sec का sec थीटा, और cosec का तुम लिख तो दिया पर माइनस किया तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो इस दोनों को छोड़ के बाकी सब में, इस दोनों को छोड़ के बाकी सब में ये दोनों कॉस भी पॉजिटिव होगा और सेक भी क्या होगा। देखो कॉस का कॉस ही रह रहा, सेक का सेक ही रह रहा, ये दोनों पॉजिटिव क्यों हुआ, पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। ये फार्मूला नंबर कौन सा, सेवन। इतना ही फॉर्मूला है, लेकिन कुछ लोग बोलेगा भैया इसी ने अगर प्लस कर दे तो तब क्या होता, आप कहाँ पहुंचते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ कोई भी चीज माइनस, तो फॉर्मूला बुक में दिया हुआ फॉर्मूला मत समझो, उसको समझो कि एक लाइन है एक्स एक्सिस और तुम जिस एक्सिस पे हो उस हिसाब से काम करेंगे। तुम बोलेगा भैया रुकिए तो काम कीजिए, तो साइन 3π प्लस थीटा, अब 3π प्लस थीटा तो फॉर्मूला तुम पढ़ा नहीं है, तुम तो 2π तक पढ़ा है। तुम अपने मन से सोचो ये यहाँ जीरो था, यहाँ घुमा तो कितना आया, फिर घुमा यहाँ तक तो कितना आया, फिर घूमेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3π। सोच के बताओ कहाँ होगा, यही ना 3π होगा, कौन एक्सिस और प्लस है मतलब किस क्वाड्रेंट में, तो साइन का साइन ही लिखाएगा, पर थर्ड में साइन नेगेटिव तो बाहर में क्या लगेगा। फिर समझाते हैं हम, बोले तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, इसे मिटा रहे, तुमको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, मान लो दे सकता है cos 5π प्लस थीटा, ये तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, अब तुम 5π, तो शुरुआत तो जीरो से करते हो हमेशा, ये पूरा घुमा तो ये पाई हुआ, फिर घुमा तो ये क्या हुआ 2π, फिर ये घुमा तो कितना हुआ 3π, फिर आगे और बढ़ा तो क्या हुआ 4π, इधर हमेशा इवन होगा, तो 5π जब भी होगा इधर ही होगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये तो बैठ जाएगा इस लाइन में 5π इधर तो हो नहीं सकता है, 5π किधर होगा, इधर होगा, ये कौन सा एक्सिस है, सीधे कॉस का क्या लिखोगे cos थीटा, लेकिन सुनो प्लस किए हो कि माइनस किए हो, प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, वो तुमको याद करना होगा, बाहर में क्या लग जाएगा डायरेक्ट मार सकते हो, ये यूज कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये बात करेंगे, रेडियन से डिग्री सीख जाइएगा, आज के लिए इतना ही है, जल्दी से इसको नोट कीजिए या कुछ और बताते, कुछ एक दो और बताते, एक फॉर्मूला बचा हुआ है जो गायब हुआ है गड़बड़ा जाए, एक फॉर्मूला और बचा हुआ है, जल्दी से नोट करो, जो नोट करना जल्दी से नोट करो, एक फॉर्मूला और बचा हुआ है। एक फॉर्मूला और बचा हुआ है, वो तुरंत बता रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब 2π हो 3π हो, सबसे पहला फॉर्मूला ही था ये जो हम नहीं बताएंगे, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सबसे पहला फॉर्मूला, टैन माइनस थीटा। कुछ लोग को ये समझ में आ रहा है,
कुछ लोग को लग रहा है माइनस थीटा तो क्या होगा भाई, देखो क्या होगा माइनस थीटा को तुम क्या लिख सकते हो सोच के बताओ, माइनस साइन जीरो माइनस थीटा लिख सकते हो, कॉमन सेंस अपना लगाओ, ये जीरो है, ये कौन सा एक्सिस है, तो साइन का क्या लिखाएगा, कॉस का क्या लिखाएगा, टैन का, टैन कॉट का, कॉट सेक का, कॉसेक का, लेकिन तुम अभी जीरो में माइनस कर रहे हो, मतलब किस पॉइंट में जा रहे हो, फोर्थ में कॉस सेक, इसको छोड़ के बाकी सब के बाहर में क्या लगेगा माइनस, तो ये तुमको कभी भी कहीं पर ऐसा दिखे कि बोले साइन माइनस तीस डिग्री का वैल्यू बताओ, तुम तुरंत सोचोगे किस क्वाड्रेंट में गए तुम, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब सीधे साइन थर्टी लिखोगे और बाहर में क्या लग जाएगा माइनस, साइन थर्टी का वैल्यू हाफ होता है, कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, हम बताना ही चाह रहे हैं ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, cot minus theta minus cot theta, ये फॉर्मूला है पर याद नहीं रह पाता है, उसी के लिए हम ट्रिक बताए, उसी के लिए लाइन सिखाए, एक सिखाए x एक्सिस एक सिखाए y एक्सिस, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज होगा sin cos में cos sin में tan cot में cot tan में sec cosec में cosec sec में, आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, रिकॉर्ड भी कर दिया है, किसी को दिक्कत होगा तो बोलेगा, चलिए बाय बाय।